नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है ठीक है तो आप ये देखने वाले हैं आज जो हो जाएगा वो रहने वाला है सिक्स मंथ से लेकर आपका हो जाता है टू इयर्स तक ठीक है सिक्स मंथ से लेकर अपना रहने वाला है टू इयर्स तक ठीक है तो इतने बच्चों के लिए इतने वर्ष के बच्चों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर हम देखने वाले हैं के को ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन से भाई शुरुआत करते हैं फटाफट क्वेश्चनों की और जिस किसी को भाई पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां जाके आप ले सकते हो और जिन लोगों को भाई ऐप के थ्रू पढ़ना है तो ऐप आप भी आपको बना रखे हैं ठीक है ऐप के अनुसार भी आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का वहां से भी सकते हो या आपको कहा जाना है कम्युनिटी में जाना है जैसे ही यूट्यूब खोलोगे पेपर हैकर ठीक है कर, उसके बाद कहाँ जाना है कम्युनिटी के अंदर जाना है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा ऐप का वहां जाके भी आप पढ़ सकते हो पीडीएफ तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की सर्वोत्तम तो आहार है गाय भैंस का, है। का दूध या फिर हो जाता है मसाले युक्त यह पदार्थ माता का दूध या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा भाई शिशु तो के लिए सर्वोत्तम आहार होता है वो कौन सा होता है माता का दूध होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन माता के दूध से शिशु को क्या लाभ है माता का जो दूध होता है उससे शिशु को क्या लाभ होता है रोगों से बचाव होता है आसानी से पाचन होता है या फिर प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है ये सभी बिल्कुल तो माता के दूध से शिशु को क्या होता है रोगों से बचाव होता है आसानी से पाचन भी हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर को देखते हैं माँ का दूध अगर को ना मिले ना मिल सके तो क्या देना चाहिए भैंस का गाय का दूध या फिर बकरी का दूध या फिर ये सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हो रही है सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर्स के बच्चे तक की बात हो रही है ठीक है तो माँ का दूध अगर शिशु को ना मिले तो भाई क्या दे सकते हैं भैंस का भी दूध दे सकते हैं गाय का भी हो जाएगा और बकरी का भी हो जाएगा तो राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा सिक्स मंथ से टू ईयर तक के बच्चे की बात हो रही है ठीक है अगर इससे कम होगा तो क्या करेंगे सिर्फ गाय का दूध देंगे ठीक है सिर्फ गाय का दूध देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पंद्रहवीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा जो हुई थी वो कब और कहां संपन्न हुई थी ये आपको बताना है पंद्रहवीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा कब और कहां संपन्न हुई थी इसका आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है ये कह रहा है उन्नीस में पुरानी दिल्ली में या फिर उन्नीस में लखनऊ में उन्नीस में बनारस में उन्नीस में नई दिल्ली में तो राइट आंसर क्या रहने वाला है पंद्रह बी अंतरराष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ जो सभा हुई थी कब और कहां हुई थी ये हुई थी उन्नीस में नई दिल्ली में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु को कितने माह तक दुग्धपान कराना चाहिए कितने माह तक कराना चाहिए ग्यारह माह तक छह माह तक दो माह तक या फिर आठ माह तक तो राइट आंसर क्या होगा भाई सिक्स क्वेश्चन माता का दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जो माता का दूध होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आ, लेक्ट एम्ब लेक्ट एम्ब्यूमिन या फिर लेक्टोग्लूबुल और बा दोनों इनमें से कोई नहीं तो जो माता का दूध जो होता है उसमें लेक्ट एल्ब्यूमिन भी पाई जाती है और लेक्टोग्लुबिन भी पाई ग्लूबिलिन भी पाई जाती है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आ और बा दोनों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माता के दूध में कौन सी प्रोटीन कम मात्रा में होती है पहला दे रखा है केसिन लेक्टोग्लूबिलिन या फिर लेक्टो एल्ब्यूमिन तो ये सभी राइट right आंसर क्या होगा आपको बताना है माता के दूध में कौन सी प्रोटीन जो होती है वो कम मात्रा में होती है तो जो केसीन होता है वो क्या होता है कम मात्रा में होती है नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन सी प्रोटीन जल में घुलनशील होती है कौन सी प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील होती है लेक्टोग्लूबिलिन लेक्टो, लेक्टो और बाद दोनों इनमें से कोई नहीं तो जल में घुलनशील होती है जब दूध में है तो जल में भी हो जाएगी राइट आंसर क्या सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा साइक्टोग्लोबिलिन और लेक्टो एलबोमिन दोनों की दोनों क्या होती हैं प्रोटीन जल में घुलनशील होती हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है लेकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है बटा बसा है प्रोटीन है या फिर कोई नहीं लेक्टोज क्या है इसका आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा लेक्टोज में पाया जाता है क्या? बी, बा और सा दोनों. राइट आंसर क्या, होगा? है। में पाया जाता है, क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या पाया जाता है विटामिन बी पाई जाती है और लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं तो कौन सा राइट होगा बा राइट होगा और सा तो राइट आंसर हो जाएगा दा और बा और सा दोनों तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौन से तत्व माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं कौन से तत्व जो है वो माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं लोहा विटामिन डी और दोनों इनमें से कोई नहीं माता के दूध में कौन से प्रोटीन कौन से विटामिन जो है ना वो नहीं कौन से तत्व सॉरी कौन से तत्व जो है वो नहीं पाए जाते हैं ठीक है ठीके? कौन से तत्व जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं तो माता का जो दूध होता है उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है और लोहा नहीं पाया जाता आयरन और विटामिन डी नहीं पाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ठीक है बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कौन से तत्व माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है और लोहा नहीं पाया जाता है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मां का दूध ना मिलने पर इसकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका क्या है गाय का दूध बकरी का दूध और वह दोनों ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है अभी आपको बताया था टू से यहाँ पर बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा गाय का दूध भी हो जाएगा और बकरी का दूध तो राइट आंसर हो जाएगा और बा दोनों ठीक है तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सा आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्लभ और अस्वस्थ बच्चे माता का दूध पीने में असमर्थ होते हैं जिससे शिकार हो जाते हैं किसके कमजोरी के रोगग्रस्त या फिर पोषण हिंता या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा भाई ये सभी हो जाएगा अगर माता का दूध नहीं मिलता है तो कमजोरी रहेगी रोग ग्रस्त हो जाएंगे और पोषणहीनता भी देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्तनपान का लाभ क्या है जो स्तन है उसका लाभ क्या है अनुकूल पाचन क्षमता या फिर शुद्ध व जीवाणु रहित रोग प्रतिरोध क्षमता ये सभी राइट आंसर क्या होगा ये सभी हो जाएगा स्तनपान के लाभ क्या हो जाते हैं जो माता का दूध होता है उसके लाभ क्या है अनुकूल पाचन क्षमता होगी शुद्ध और जीवाणु रहित होंगे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी तो राइट आंसर क्या देगा ऑप्शन नंबर दा रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन को वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला दुग्ध पान से शिशु का क्या लाभ होता है रोगों से बचाव मुंह का व्यायाम बात है अब मुंह जबड़ों की क्षमता मजबूत होना या फिर हो जाएगा ये सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर देना है तो यहाँ पर भी सभी हो जाएगा सभी है ना क्या हो जाएगा रोगों से बचाव होगा मुंह का व्यायाम हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा मुंह जबड़ों की क्षमता मजबूत होना तो हो जाएगा दा, ये सभी. Next question, सी है या फिर ये सभी तो आपको पता है विटामिन सी और थायमिन कहा होते हैं इन सभी में पाए जाते हैं गाय के दूध मिलेगा भैंस के में भी और माता के दूध में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रम कैसे मिल किसे कहते हैं कोलेस्ट्रम जो है वो किसे कहते हैं भैंस का दूध माँ का पहला पीला दूध गाय का दूध या फिर इनमें से कोई नहीं तो कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं इसका आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं तो मां का पहला पीला दूध जो होता है उसे क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माँ का जो पहला दूध होता है जो पीले रंग का होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक आता है जो कोलेस्ट्रम है वो कितने दिनों तक आता है आपको बताना है दो से तीन दिन दो से आठ दिन दस दिन या फिर पांच से दस दिन राइट right आंसर क्या होगा कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक आता है तो दो से तीन दिन आता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम को अन्य अन्य किस 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 नाम 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 से 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 जानते 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 हैं 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 कोलेस्ट्रम को पीला जूस कोलेस्ट्रम पेय पदार्थ या फिर कोले कौन सा राइट होगा आपको बताना है कोलेस्ट्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे कहते हैं भाई फेनुस राइट आंसर ऑप्शन नंबर द बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन विटामिन ए और एवरबा दोनों या फिर ये सभी कोलेस्ट्रम में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है तो बिल्कुल प्रोटीन भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा और दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रम किसको उत्तेजित uh, करने का कार्य करता है जो कोलेस्ट्रम होता है वो किसको उत्तेजित करने का कार्य करता है एंजाइम को हार्मोन्स को और आवरबा दोनों इनमें से कोई नहीं तो कोलेस्ट्रम जो होता है वो किसको उत्तेजित करने का कार्य करता है तो वह करता है एंजाइम के लिए राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जो होता होता है होता है है मां का पहला पीला दूध वो किसे उत्तेजित करता एंजाइमो को उत्तेजित करता है ठीक है किसे करता है एंजाइमो को उत्तेजित करता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोलेस्ट्रम में प्रोटीन व विटामिन ए की तुलना में किस पोषक तत्व की कमी होती है कोलिश्ट्रों, कोलिश्ट्रों में प्रोटीन व विटामिन ए की तुलना में किस पोषक तत्व की कमी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की बी समूह की की या फिर ये सभी की तो राइट आंसर क्या होगा देखो कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी पाई जाती है बी समूह की भी होती है की भी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी की कमी पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम गाढ़ा दूध दूध में कितने दिनों में परिवर्तित होता है जो कोलेस्ट्रम जो गाढ़ा दूध होता है वह दूध में, 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 में? तो में कितने दिनों में परिवर्तित होता है दस दिन में पंद्रह दिन में नौ दिन में या फिर बीस दिन में तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कोलेस्ट्रम दूध में कितने दिनों में परिवर्तित होता है तो वह दस दिनों में परिवर्तित होता है कितने दिनों में दस दिनों में वह दूध में परिवर्तित होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रम में कितनी कैलोरी पाई जाती है जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है आपको बताना है पचास किलो कैलोरी साठ किलो कैलोरी अट्ठावन किलो कैलोरी सत्तर किलो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल में कितनी कैलोरी पाई जाती है तो बहनी हो जाएगी अट्ठावन किलो कैलोरी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर साजो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां रखा है कोलेस्ट्रम में, में कितनी मात्रा में बसा पाई जाती है जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें हो तो कितनी मात्रा में बसा पाई जाती है यहां पर आपको आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा इकतीस है 2.15 ग्राम या फिर 2.9 ग्राम या फिर हो जाता है 16 ग्राम या फिर हो जाएगा अपना 1.5 ग्राम कौन सा राइट होगा फटाफट आंसर दीजिएगा ठीक है बिल्कुल तो यहां पर राइट कौन सा हो जाएगा 2.9 तो ग्राम हो जाएगा जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 12 है बिल्कुल राइट आंसर कोलेस्ट्रम में किस मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है कोलेस्ट्रम में किस मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है आपको बताना है इकतीस ग्राम पचास ग्राम बीस ग्राम या फिर साठ ग्राम कोलेस्ट्रोम में बसा की बात करते हैं देखो बसा कितनी पाई जाती है बसा पाई जाती है आपकी 2.9 ग्राम ठीक है 2.9 ग्राम अब यहां पर कैल्शियम की बात कर रहा है तो कैल्शियम कितना पाया जाता है ये पाया जाता है

और ये करेंगे तो तो जाएगा है ना तो ये आप चार को एक साइड में कर लीजिएगा और याद रहेगा कि चौदह मिलीग्राम होती है यहाँ कैल्सियम है, है। कैल्सियम को कैसे लिखेंगे यहां इस प्रकार से लिखते हैं ना इस प्रकार से तो यहां पर आप देखोगे तीन देखने को मिलेगा है ना तो इकतीस प्रकार से बन जाएगा आराम से याद करने की कुछ हिंट होती है जो आपको याद आराम से रहेगी आगे बढ़ते हैं कोलेस्ट्रम में आयरन की मात्रा पाई जाती है कोलेस्ट्रम में आयरन की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है 0.9 ग्राम 9 मिलीग्राम 0.1 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम राइट आंसर क्या होगा आंसर दीजिएगा आयरन की मात्रा कितनी होती है मतलब लोहा की यहां पर बात हो रही है ठीक है आयरन लोहा कितना होता है 0.09 या 9 मिलीग्राम होता है 0.09 मिलीग्राम होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां रखा है कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें तो सभी दे रखे हैं ना कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 2.10 मिलीग्राम 2.8 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम या फिर टू मिलीग्राम यहाँ पर डायरेक्टली ग्राम दे रखा है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो कितनी होती है टू पॉइंट सेवन ग्राम होती है कितने टू पॉइंट सेवन ग्राम होती है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है फाइव पॉइंट थ्री ग्राम सिक्स ग्राम टू ग्राम या फिर हो जाता है बारह ग्राम तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका आपको आंसर देना है कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की जो मात्रा होती है वह होती है थ्री फाइव पॉइंट थ्री ग्राम कितनी होती है भाई 5.3 ग्राम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोलिस्टर्म में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है जो कैरोटीन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है आपको बताना है 186 या फिर हो जाएगा 150 200 या फिर 160 तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है तो कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है एक होती है राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा होती है कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है इसका आंसर दिएगा दो सौ नब्बे दो सौ छियानबे तीन सौ या फिर दो सौ पचास इसका राइट right आंसर क्या रहने वाला है पोलिस्टम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है तो वह हो जाएगी दो सौ छियानबे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माँ के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है माँ के जल माँ का जो दूध होता है उसमें जल की कितनी मात्रा होती है तीस ग्राम, हो ग्राम या फिर हो जाएगा अठासी ग्राम या फिर अट्ठानबे ग्राम या फिर नब्बे ग्राम राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको आंसर देना है माँ के दूध में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है एट्टी एट ग्राम होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माँ के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है माँ का जो दूध होता है उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है आपको बताना है 3.2 ग्राम 8 ग्राम 4 ग्राम या फिर 10 ग्राम राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर आंसर देना है तो गाय के दूध में किसके गाय के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है थ्री ग्राम पाई जाती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन होती है भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन होती है दस में दस मिलीग्राम जीरो पॉइंट टू मिलीग्राम जीरो पॉइंट टेन मिलीग्राम जीरो पॉइंट एट मिलीग्राम तो आपको बताना है फटाफट इसका आंसर क्या रहने वाला है भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन पाई जाती है तो जीरो मिलीग्राम पाई जाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गाय के दूध में विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है इसका आंसर दीजिएगा दो मिलीग्राम तीन मिलीग्राम पांच मिलीग्राम या फिर चार मिलीग्राम गाय के दूध में विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है सुबह तो होती है भाई दो मिलीग्राम कितनी होती है दो मिलीग्राम होती है जिन लोगों का आंसर टू मिलीग्राम बिल्कुल राइट आगे देखते हैं माँ के दूध में कैसीनोजन एवं लेक्टो एल्ब्यूमिन का अनुपात होता है माँ का जो दूध दो होता है उसमें कैसीनोजन तथा लेक्टो एल्ब्यूमिन का अनुपात कितना होता है आपको बताना है एक अनुपात तीन एक अनुपात दो पांच अनुपात दस दो अनुपात पांच कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो माँ का दूध जो होता है उसमें कैसीनोजन तथा जो होता है एक अनुपात तीन के अनुपात में होता है कैसीनोजन एक होगा तो क्या होगा लेक्टो एल्बीमिन के तीन अणु होंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ रखा है भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में कैसा होता है पतला होता है गाढ़ा होता है अधिक पतला होता है इसमें से कोई नहीं तो भैंस का दूध जो होता है वो गाय के दूध में कैसा होता है गाढ़ा होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा किस अवस्था में माँ का दूध नहीं देना चाहिए रोग की अवस्था में रक्तहीनता अवस्था में कैंसर में या फिर ये सभी तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा ये सभी हो जाएगा ठीक है रोग की अवस्था रोग की अवस्था है मां के तो नहीं देना चाहिए रक्त रक्तहीनता की अवस्था है तब भी नहीं देना चाहिए और कैंसर है तो तो वैसे भी नहीं देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु को माँ का दूध देना चाहिए माँ स्वस्थ हो दूध की मात्रा सही हो खुश हो ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा भाई बिल्कुल ये सभी हो जाएगा है ना तो स्वस्थ तो होना चाहिए सही मात्रा में होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संक्रमक रोग मधुमेह सिफिलिस की बीमारी में माँ का दूध शिशु को देते हैं थोड़ी मात्रा में बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है इनमें से कोई नहीं संक्रमक रोग है कोई मधुमेह है अपना जो की बीमारी है तो इसमें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए आपको बताना है अगर संक्रमण कोई रोग है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं देना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माँ के दूध की तुलना में केसीन की मात्रा किसमें अधिक होती है माँ के दूध की तुलना में जो केसीन की मात्रा होती है वो किसमें अधिक होती है माँ के दूध में बकरी के दूध में भैंस के दूध में या फिर गाय के दूध में, की तो के में. केसीन की मात्रा किसमें अधिक होती है तो वह होती है गाय के दूध में ठीक है केसीन की मात्रा ज्यादा किसमें मिलती है गाय के दूध में देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गाय के दूध में कितने गुना प्रोटीन तथा कैल्शियम की मात्रा माँ के दूध की तुलना से में अधिक होती है तीन गुना सात गुना पांच गुना या फिर दस गुना गाय के दूध में कितनी गुना प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा मा के दूध की तुलना में अधिक होती है तो इसका आंसर बताना है भाई कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है तो भाई जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है तीन गुना बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है तीन गुना होती है गाय के दूध के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर गाय के दूध की प्रोटीन को हल्का किया जाता है गाय की दूध की प्रोटीन को हल्का किया जाता है इस प्रक्रिया में क्या इस्तेमाल होता है तेल द्वारा पानी द्वारा पेय पदार्थ द्वारा इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई पानी के द्वारा किया जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गाय के दूध को माता के दूध की तरह कैसे बनाते हैं पानी मिलाकर दूध में शर्करा मिलाकर उबालकर या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा भाई राइट आंसर हो जाएगा ये सभी चीजें कर कर सरकरा भी मिलाएंगे पानी भी मिलाएंगे और उबालेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूध को उबाला जाता है जिससे आसान पाचन क्षमता हो या फिर दूध के छोटे छोटे कड़ ब... कड़वन बनाना या फिर जीवाणु नष्ट करना ये सभी राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई ये सभी रहने वाला है अगर दूध को उबालेंगे तो आसाद पाचन क्षमता हो जाएगी दूध के छोटे छोटे कड़ बनना बन, बन जाएंगे टूट जाएंगे और क्या हो जाएगा जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिशु के लिए दूध में जल मिलाना किस उम्र पर बंद कर देना चाहिए शिशु के लिए दूध में जल मिलाना किस उम्र पर बंद कर देना चाहिए पांच महापश्चात आठ महा पश्चात छह महा पश्चात या फिर दस महापश्चात राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहां पर आपको आंसर देना है तो दूध में जल मिलाना आठ माह के पश्चात बंद कर देना चाहिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु के लिए ऊपरी दूध का चुनाव करना चाहिए सरलता सरलता से प्राप्त तो हो या फिर कीटाणु रहित तो हो पोषक आप पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हो ये सभी शिशु के लिए ऊपरी दूध का चुनाव करना चाहिए राइट आंसर हमारा क्या होगा यहां पर आपको आंसर देना है यहाँ पर भी क्या होगा ये सभी हो जाएगा ठीक है सरलता से प्राप्त होना चाहिए कीटाणु रहित होना चाहिए पोषक आवश्यकताओं की उसके अंदर पूर्ति होनी चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु को विटामिन डी सी की पूर्ति देते पूर्ति हेतु देना चाहिए शिशु को विटामिन डी व सी की पूर्ति हेतु देना चाहिए क्या देना चाहिए कार्ड लिवर ऑयल संतरे का जूस और दोनों तो तो राइट आंसर हमारा क्या होगा विटामिन तो डी तथा सी की पूर्ति किससे होती है संतरे के जूस से सी की प्राप्ति हो जाएगी और कार्ड लीवर ऑयल से अपनी हो जाएगी विटामिन डी की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आ औरबा दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु के लिए कृत्रिम दूध या फार्मूला का आयोजन कित, आ, करते समय ध्यान देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूध का प्रकार दूध की मात्रा या फिर उपयुक्त सभी शिशु के लिए कृत्रिम दूध या फार्मूला का आयोजन करते समय ध्यान देना चाहिए क्या ध्यान देना चाहिए यह आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का ध्यान देना चाहिए, दूध का प्रकार कौन सा है ये भी ध्यान देना चाहिए दूध की मात्रा कितनी है ये भी ध्यान देना चाहिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दूध के प्रकार हैं कितने बास्पीकर दूध होता है संपूर्ण दूध होता है शुद्ध दूध शुष्क दूध होता है ये सभी

नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु को कौन सा दूध दे सकते हैं दूध की शिशु को कौन सा दूध दे सकते हैं दूध की मलाई गाढ़ा दूध ऊपर तो हो जा भाई गाढ़ा दूध या फिर हो जाता है तुम्हारा खोया दूध या फिर सादा बा हीम, हीमो हीकृत दूध तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई सादा बा भा, सॉरी हीमो नहीं होगा होमोजीनीकृत रोग दूध हो जाएगा तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा यहां रखा है शिशु को दूध से एनर्जी होती है शिशु को दूध से एलर्जी होती है तब कौन सा फार्मूला दिया जाता है प्रोटीन सोयाबीन और मांस तथा हाइड्रो जिलिट्स ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है अगर एनर्जी होती है तब क्या देंगे यहां पर आपको बताना है तो यहां पर देंगे ये सी, ये सी सभी ठीक है प्रोटीन भी देंगे ठीक है सोयाबीन और मांस भी दे सकते हैं और क्या हो जाएगा हाइड्रोजिलिट्स देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्वस्थ शिशु हेतु प्रति प्रति शरीर भार के अनुसार कितना ताजा दूध का प्रयोग होता है दस से 30 मिली तीस मिलीग्राम तीस एम या फिर हो जाता है पैंतालीस से साठ एम एल से तीस एम या हो जाएगा अपना पचास से अस्सी एम तो स्वस्थ शिशु हेतु प्रति शरीर भार के अनुसार कितना ताजा दूध का प्रयोग होता है यहां पर आपको बताना है तो कितना हो जाएगा भाई 45 से 60 हो जाएगा कितना 45 से 60 हो हो जाएगा right हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है शिशु की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए शिशु की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए एक से चार अंश या फिर दो से छह अंश तीन, दो से तीन अंश या फिर छह से बारह अंश तो राइट आंसर हमारा क्या होगा की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए तो वो उतना हो जाएगा दो से तीन अंश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है पांच घंटे दो घंटे सात घंटे या फिर तीन घंटे तो यहां पर कौन सा राइट होगा ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है तो वह हो जाएगा भाई तीन घंटे के बाद ही ऊपरी दूध देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिशु को डकार दिलवाई जाती है किससे कंधे पर लेकर या फिर खड़ा करके गोद में लिटाकर या फिर ये सभी तो ये राइट आंसर हो जाएगा कंधे पर लेकर शिशु को डकार दिलाई जाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को कह रहा है किस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा किस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा चार पॉइंट से अधिक दस पॉइंट से कम तीन पॉइंट से कम या फिर पांच पॉइंट से भी कम राइट आंसर हमारा क्या होगा यहां पर आपको आंसर देना है इस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा पांच पॉइंट से भी कम अगर है तो उसे अपरिपक्व माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं है, अपरिपक्व शिशु होने का क्या कारण है निम्न पोषक स्तर या फिर भ्रूण को कम पोषक कम पोषण प्राप्ति होना अनुवांशिक समस्याएं या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा ये सभी हो जाएगा अगर कम पोषक स्तर मिलते हैं तब भी होगा भ्रूण के पोषण में कमी होती है तब भी हो जाएगा या फिर हो जाए अनुवास समस्याएं देखने को मिले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाते हैं भाई साठ क्वेश्चन कितने हो गए भाई साठ क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं अगर इसमें क्वेश्चन कितने हैं बात करूं सी में तो इसमें हो जाते हैं एक सौ तीस क्वेश्चन के करीब में है तो अगर मैं एक सौ तीस क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे ठीक है तो फ्रेंड्स एक पार्ट हमारा साठ का रहने वाला है फिर साठ का रहने वाला है तो दो में मैं कवर कर दूंगा ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने साठ क्यूशन हो जाते हैं और ये अपना हो जाता है पार्ट नंबर कौन सा होगा पार्ट नंबर हो जाता है नाइन कौन सा पोषण ये हो जाता है अपना फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का पार्ट नंबर सिक्स ठीक है और फ्रेंड जिस किसी को पीडीएफ चाहिए क्या करना है भाई जिस किसी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं और जिस किसी को भाई ऐप डाउनलोड करना है तो वो बिल्कुल आप क्या करेंगे हमारे चैनल के अंदर जाएंगे पेपर एकर के अंदर उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर जाएंगे वहां आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है वहां से आप क्या करना है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आराम से पढ़ सकते हो ठीक है लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत